की चोली छत्तीसगढ़ है ये काने मा बाली गोरा गोरा गाल गोरा गोरा गाल ये ले बोरे बासी और चटनी ला था वो जी तुरा रिक्शा वाला का करो का हो गे मोला जबले मैं देखो तोला सुरता बस तोरे चाते गोरिया मिठ मिठ लागे माया के बानी ओ माया के बानी मोरो अंतस मा पीरा होती गारा जा धीरे धीरे देशी टॉक अपन बात अपन अंदाज जय हो मैं हो संदीप अखिलो आप हमारे साथ देखा था देसी टॉक में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म के शोमैन सतीश जैन जी। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के देसी टॉक में। धन्यवाद जय जोहार सब जनला। अब बहुत सारा बात हुई सतीश जी से काबर की इंखर बहुत बड़े अनुभव रहे हैं और छत्तीसगढ़ी फिल्म जब ये बनाते हैं तो एक पास जिन फार्मूला है ये माने जाते हैं कि सतीश जी के नाम जोड़ दो मतलब पिक्चर सुपर हिट है सुपर डुपर हिट है। ऐसा जिन फार्मूला का है आपके पास हिट करेंगे पिक्चर के? मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है। मैं सही बात तो है कि मैं सिनेमा मोर हृदय में बसते मैं सो जात उठत खा सवेरे वॉक पे जाता हूँ तब भी कहानी और गाना सोचत सोचत जाता हूँ। वाह तो शायद वही है सिनेमा के प्रति समर्पण है मोर अंदर। हाँ। शायद वही वजह से मोर पिक्चर मन ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। आप छत्तीसगढ़ के रहने वाला हो। हाँ। बम्बई में गए हो आप। हाँ। बम्बई में भी काम करे हो आप। हाँ। तो प्रेरणा कहाँ मिली इसकी छत्तीसगढ़ी पिक्चर में काबर की घर वाले बताना बड़ा दिक्कत के काम है कि हाँ। मैं फिल्म लाइन में जाता हूँ। हाँ। तो ऐसा दिक्कत आप लोग भी हुई बहुत, बहुत, बहुत। तो आप कैसे पहुँचो काबर प्रेरणा रही आपके? नहीं प्रेरणा तो राज कपूर साहब रही से मनमोहन देसाई साहब रही से। अच्छा उनका पिक्चर बड़ा देखो मैं। हाँ और उनका पिक्चर देखो कब सोचो एक जैसे डायरेक्टर बनना है एक दिन। अच्छा तो पढ़ाई करे माँ बाप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ले दुरु ले। अच्छा वो माँ बाप पर पढ़े हो बाप पर पढ़े हो। हाँ। बाद में सोचे नहीं यार यहाँ रहूँ फंस जाऊँ। हाँ। तो हम बीएसपी में नौकरी लगा दी मैं। हाँ। मैं गए फिर मोर सपना चूर चूर हो जाई। हाँ। मैं एक दिन बम्बई निकल गया एक नौकरी करे के बहाना बना के पिताजी ला। अच्छा एक कंपनी में इंजीनियर के नौकरी करे के बहाना बनाया और बम्बई निकल गया। अच्छा और बम्बई जाके वो कंपनी में आज तक नहीं गया और वहाँ जाके स्ट्रगल करे हो। अच्छा सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस में जाओ। हाँ। और बोला भाई मेरा डायरेक्टर बनना है अपना असिस्टेंट बना लो। अच्छा तो माना वो समय का है कि सिर्फ सिनेमा बने। हाँ। है ना जैसे अभी यहाँ कैमरा पहुँच गए घर घर में गांव गांव में शूटिंग होते है। हाँ। है ना पहले ऐसे नहीं रही से ना टीवी नहीं रही से ना टेलीविजन भी नहीं रही से ना जी टीवी ना दूरदर्शन रही से वो एक दिन सैटरडे और संडे के दो दिन शाम के प्रोग्राम दिखाए और कोई नहीं रही से सिनेमा मतलब सिर्फ सिनेमा बस। ठीक है तो उनमें काम बहुत कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गए ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा रही से तो बहुत तकलीफ हुई फिर धीरे से काम कैसे आप लोग मौका कैसे मिली मौका कैसे मिली कि माधुरी एक मैगजीन रही से टाइम्स ऑफ इंडिया के मैगजीन रही से माधुरी। हाँ। वो फिल्मी मैगजीन रही से। हाँ। और वो बहुत लोकप्रिय मैगजीन रही से उस समय। हाँ। तो वो मैगजीन में मैं कुछ आर्टिकल लिख के दे हूँ तो हाँ। जो एडिटर रही से विनोद तिवारी जी बोला बहुत अच्छा लगी से और बहुत अच्छा लगी से वो बोला बुलाई से बोलीस कि मैं बोला बताया कि मेरा डायरेक्टर बना था बोला ऐसे नहीं बन पाओगे बहुत कठिन है यहाँ लोग रखेंगे नहीं असिस्टेंट तो ऐसे करो बोले पहले तुम बढ़िया लिखते हो पत्रकार बन जाओ और जान पहचान हो घुस जाना इंडस्ट्री में तो मोर मैं माधुरी में लिखना शुरू कर दे पत्रकारिता शुरू कर दे और मेहनत अच्छा करें एक साल के अंदर में माधुरी के मैं फ्रीलांसिंग कर रहे हूँ और माधुरी में सबसे ज़्यादा आर्टिकल मोड़ छपे मतलब वो फोर्ट नाइटली मैगजीन रही से और साल के 12 कवर 12 या 14 कवर स्टोरी मोर छपे रही से। अरे वाह बहुत बढ़िया तो वही में जान पहचान हुई कीर्ति कुमार जी के असिस्टेंट बन गए मैं। हाँ। गोविंदा के भाई के हाँ। कीर्ति कुमार के असिस्टेंट बने वो पिक्चर इसे हत्या। अच्छा। वो मोर पहली पिक्चर इसे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा वो पिक्चर में काम करे काम करते करते वही चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रही से कृष्णकांत पंड्या ओकर से मोर अब साथ में काम करन तो कभी कभी कहानी सुना पंड्या जी ऐसे में कहानी बनाया पंड्या जी वैसे कहानी बनाया मेरे बहुत कहानी बनाओ समय। हाँ। दूसरा जो असिस्टेंट रहा है ना मोर समय जो उमर गोविंदा के साथ बैठ के गप मारे में खुश हुए गोविंदा वाला चिंते कह के खुश हुए नीलम वाला चिंते कह के खुश हुए उनकर से बात करते नाम लेके बुलाते तक खुश हुए। अब जबकि मोर ऐसी हालत रही हत्या पिक्चर में शुरू में फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हो और जब क्लाइमैक्स में लास्ट में शूटिंग करते रहे तब नीलम एक दिन एक असिस्टेंट ने बोली से नवा असिस्टेंट आएगा तो बोली नहीं नहीं ये तो पूरा पिक्चर में तो बोले आज पहली बार देखा तुम काबर देखी बोला मैं तो कर पास कभी जाऊँ नहीं ठीक है ओकर पास जाके कभी बैठे हो नहीं मैं अपन काम से ध्यान दे
पूरा फोकस एकदम वहाँ शूटिंग रहा है तो पूरा ध्यान काम पे लगाऊ, हीरो हीरोइन के पास ही जाऊं नहीं मैं, सिर्फ अपन काम पे ध्यान दो, कहानी किताब पढ़ो, दुनिया भर के कहानी पढ़ो, दुनिया भर के बड़े बड़े राइटरों के कहानी हिंदी ट्रांसलेशन, मैगजीन गोरकी हो, खुशियो हो, बहुत बढ़िया किस्सा है नसीर जी के। पहली बार नसीर जी के पास मतलब लेकिन कहानी सुनाए बस। अच्छा, अब नसीर जैसे कलाकार सही कहने है ना, वो एकदम चुन के सेलेक्ट करके फिल्म करते करते काम। हाँ। और वो ऐसे दूसरा स्टार जैसे नहीं रहा कि कोई से पिछड़ा है पैसा भर कर लो, ऐसे भी कर लो है ना, प्रोड्यूसर दोस्त है तो कर भर कर लो, डायरेक्टर बड़े है तो कर भर कर लो, ऐसे नहीं करे वो। कतको बड़ा डायरेक्टर है, कतको बड़ा प्रोड्यूसर है, कतको पैसा दो, ओला जो पसंद आ जाए तो कम पैसा हम खेलो कर ली, ठीक है ना। तो ओला सुनाना बहुत बड़ी चुनौती रही। तो हमन गए फिल्म सिटी में स्टूडियो में जगह शूटिंग करती थी, वहाँ जाके कि वो समय में एकदम दुबला पतला मरियल रहा, अमिताभ बच्चन के फैन रहे, ओकरे स्टाइल में बाल रखो, इसने बेल बॉटम वाला पेंट पहनो। हाँ। और एकदम पतला दुबला। हाँ। और ये हाइट रही इतने पतला दुबला। हाँ। तो ओकर पास बिठा दी तो बोले घूर घूर के देखे हो। हाँ। कहानी सुनाना है, बुरी समझ सुनाए तो सुनाओ ऐसे कहा। तो सुनाओ डरते डरते धीरे धीरे मोर कहानी सुनाए के ना, मोर पास एक बढ़िया आर्ट है, मैं मोर सब जने ही कहते हैं कि ये कहानी सुनाते तो पिक्चर दिखा देते पूरा, एक सुंदर कहानी सुनाता हूं। हाँ, तो शुरू शुरू में थोड़ा डरते डरते सुना, धीरे धीरे अपन रंग में आ गए। हमें आ गए तो कर बात फिर सुनीस, कर बात बोलीस बढ़िया कहानी है, करूँ बोलीस, अच्छा कहानी लगी बोलीस, करूँगी। हाँ। मोला ज़्यादा भाव नहीं दिस। हम आ गए आगे खुश होकर फिर नसीर हो गए साइन, अब तो पिक्चर बन जाएगी छोटे बजट के पिक्चर। हाँ। और बाद अचानक एक दिन फिर फोन आई, मैं फिर से कहानी सुना और फिर से कहानी सुनूंगी। हाँ। अब फिर से कहानी सुनूंगी तब सब जरा हम टेंशन में आ गए। हाँ। अरे यार फिर कहानी सुनूंगा नहीं पसंद आई कह दी, और बाद नहीं करूँ कह दी, गए हमारे तो प्रोजेक्ट तैयार हो गए पूरा। हाँ। तो हम फिर गए महाबलेश्वर में शूटिंग करते थे वहाँ गए। अच्छा। अब बैठे अब फिर वही हालत हो गई मोर स्ट्रगलर जैसे, अब डर के मारे अब सुनाना शुरू करे फिर से, लेकिन मैं सोच के गए रहे कि आज ऐसे सुनाऊँ कि नसीर साहब ला तो एकदम फ्लैट कर दूँ। और पूरा तैयारी करके गए रहे, पूरा शॉर्ट वाइज से कैमरा ठक 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 दरवाजा, पूरा ड्रामा करके सुनाते हैं फुल ड्रामा करके सुना है। हाँ। सुनने के बाद कहानी खत्म हुई, वो आदमी पहले बार तो इसने मिले रही से कुछ डिरेक्ट नहीं करी। हाँ। खड़े हो गए, मोला गले लगा ली, गला लगाई से बोली बहुत बढ़िया कहानी है मोला, बहुत पसंद आ गया, बोले मैं करूँ पिक्चर। कि राइटिंग के क्षेत्र में आप आगे आना चाहते रहे हो कि डायरेक्शन के क्षेत्र में? हाँ, मैं डायरेक्टर बने गए रही हूँ और मैं डायरेक्टर ही बनना चाहते रहे। हाँ। वो पिक्चर हिट हो गए और बाद बहुत राइटिंग का फर्क, और मैं काकरों पास नहीं जाऊँ। हाँ। मैं सोचा था राइटर के ठप्पा लग जाए मोर ऊपर, और राइटर के ठप्पा लग जाए तो मेरा डायरेक्शन के काम नहीं मिली। लेकिन क्या है कि मैं उस समय उकर पहले असिस्टेंट रहे हूँ। हाँ। असिस्टेंट में ज़्यादा पैसा नहीं मिले। अच्छा। अपन ले दे के खर्चा निकले है ना, पेइंग गेस्ट में रहना पड़े, और राइटिंग में पैसा खूब मिले वो जमाना में, सोचो ना 83-84 में 2.5-3 लाख राइटिंग की मिल जाए मोला। अच्छा। तो मैं एक ठो पिक्चर कर लो, चल साले खर्चा निकालूँ अपन कहीं के, एक ठन पिक्चर करो। और अब गोविंदा के ग्रुप में रहे हो, भाई के असिस्टेंट हैं, गोविंदा हर जगह मोला रिकमेंड करे कि सतीश जन ले लो। तो ओकरे पिक्चर करो, ज़्यादा पिक्चर नहीं करो कि राइटर के थप्पा मजा, लेकिन वही चॉइस वही हुई मोर ऊपर, राइटर के थप्पा लग गए। ओकर बाद बहुत कोशिश करो डायरेक्टर बनने के, डायरेक्टर नहीं बन पाए। बम्बई से छत्तीसगढ़ की तरफ कैसे आया? वही टाइम है जब मैं डायरेक्टर नहीं बन पाते ना, छटपटाते रहे बहुत, और छत्तीसगढ़ी मोर भाषा रही से, मोर भाषा है छत्तीसगढ़ी। तो मैं एक कभी सोचे ना यहाँ गए रहूँ कि डायरेक्टर बनूँ, देखो एक तो सपना और पाल के गए रहूँ कि एक दिन छत्तीसगढ़ी पिक्चर जरूर बनाऊँ। तो वो समय मैं सोचा था कि छत्तीसगढ़ी में कोई फिल्म नहीं बनाए, बाद में मोला पता चली कि दो ठन पिक्चर बन चुके हैं, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, कहीं देवे संदेश और घर द्वार जो बन चुके रही। खैर कोई बात नहीं, मैं पिक्चर में सोचे यार मोर पास ये तो बना नहीं सकूँ मैं हिंदी पिक्चर, अधिक पैसा नहीं है और पैसा लगाने वाला कोई आई नहीं, बहुत खर्चा रहा है, बहुत रिस्क रहा है पिक्चर में, ठीक है ना। तो मैं सोचो यार हम अपन पैसा से बना लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत पैसा मोर पास रही 2-4 लाख, माँ बाप से ले हूं, भाई से ले हूं, और थोड़ा रिश्तेदारों से लेके हम सोचे ना
छत्तीसगढ़ी पिक्चर बना था, वो डायरेक्ट करूँ मैं। हाँ। और पिक्चर लीजिए छैया भुइया, छैया भुइया वाला पिक्चर बनाया भी, डायरेक्ट भी मैं करें वाला। वो सुपर डुपर हिट पिक्चर बनी इस वक्त छत्तीसगढ़ के, मतलब एक कहा जाए कि आज भी वाला लोगन देखते हैं, आज भी वो क्या पसंद करते हैं, और बहुत साल बाद कोनो छत्तीसगढ़ी फिल्म ए तरीके से आ रही से कि जो हर घर में देखेगी वो पिक्चर है, तो उखर स्टोरी के बात करें चाहे कलाकार मन के चयन के बात करें, तो का दिमाग में रही आपके उस समय? जब मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाऊँ सोचे हो ना, हाँ, तो सबसे पहले तो मैं सोचे कि भाई मैं जो फिल्म है ना समसामयिक बनाऊँ, मैं आज के फिल्म बनाऊँ, और मैं कास्ट्यूम वही रखूं जो आज पहने थे। उस समय सब कॉलेज पढ़ी है, मन जींस पहने। हाँ। लड़का मन जींस पहने, लड़की मन होती जींस के चलन नहीं रही से, ठीक है ना, वो सलवार अलवार पहने। तो मैं बोले मैं वही रखूँ, और लैंग्वेज भी मैं सोच रहे हो कि वही लैंग्वेज रखूँ जो आम बोलचाल के छत्तीसगढ़ी भाषा है, ठीक है ना, है ना, एकदम नाटकीय भाषा नहीं रखूँ, जो गाँव में बेमेतरा में बोलते हैं, ये कवर्धा में बोलते हैं, जो धमतरी में बोलते हैं, वही छत्तीसगढ़ी रखूँ। वो छत्तीसगढ़िया मन अंग्रेजी लगा लो स्वीकार कर ले, वो मन हिंदी लगा लो स्वीकार कर ले, मोर माइंड अपसेट हो जाते हैं, मो चैलेंज देता हूँ भाई तो लम्बे चैलेंज दे तो ऐसे वाला, तो वो मन मैं सोचा लैंग्वेज वही रखूँ मैं। हाँ। जबरदस्ती वाला नाटकी नहीं करो। हाँ। कि नाटक टाइप के नाटकीय भाषा नहीं बनाओ, जबरदस्ती के छत्तीसगढ़ी थोपे की कोशिश नहीं करूँ मैं, कि मैं एकदम क्लिष्ट छत्तीसगढ़ी डाल दूँ, मैं पिक्चर बनाता हूँ घर से थी, और कॉस्ट्यूम पर भी मैं सोचे वही कास्ट्यूम रखूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म जिन रिकॉर्ड तोड़ जेखर सफलता मिली मोर छैया भुइया के, आव कुछ दृश्य ला देखथन। प्यार देवर आए रही सिनकार हो गए जी, प्यार देवर आए रही सिनकार हो गए जी, टूरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी, टूरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी। लेकिन इस व्यवस्था ने जब साहब मुझे साहब तो क्या चपरासी के लायक भी नहीं समझा, 15 साल पढ़ाई में बर्बाद करने के बाद भी मुझे नौकरी मिली तो अपने भाई की सिफारिश पे। अंग्रेजों के जमाने की सड़ी गली और पुराने ढर्रे की शिक्षा व्यवस्था को बदलिए साहब, जो इंसान को पंगू अपाहिज और नौकरी पर आश्रित बना देती है। कार्तिक माफ कर दे भैया, कार्तिक सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।